जब तक भगवान की शरणागति और भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर लोगे तब तक इसी प्रकार 84 लाख में घूमना होगा, कभी स्वर्ग कभी नरक कभी मृत्युलोक कभी अंत नहीं होगा। इसलिए सर्वत्र सर्वदा अपने साथ श्री कृष्ण को, अपने महापुरुष को, गुरु को रियलाइज करो, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। कभी अकेले मत रहो, अकेले रहोगे तो पाप करोगे, गलत काम करोगे। ये जो आप लोग कोई गलत काम करते हैं तो उस समय क्या सोचते हैं? जो मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता। अरे आपके हृदय में श्री कृष्ण बैठे आपके आइडियाज नोट करते हैं, ये आपको नहीं मालूम? फिर मालूम तो है, फिर भूल क्यों गए? आप भूल जाते हैं, मालूम तो है, पढ़ा है, सुना है। वो हर एक के हृदय में बैठा हुआ उसके विचारों को नोट करता है, फिर भी हमारी प्राइवेसी चल रही है। इसका परिणाम क्या होगा? वही 84 लाख योनियों में भटकना। तो भगवान को सदा सर्वत्र अपने साथ रियलाइज करो, महसूस करो प्रैक्टिकल रूप से, जैसे मैं को महसूस करते हो, मैं ऐसे ही अपने बाप को भी यानी भगवान को भी महसूस करो, तो फिर गलत काम नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, क्योंकि ये फीलिंग होगी ना, वो देख रहा है और उसकी कृपा प्राप्त करना है और वो हमको दंड देगा, उसी के हाथ में है, ये फीलिंग रहेगी।